आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। तो चलिए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। खास खबरों से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो बात करते हैं कोरोना की। कोरोना एक बार फिर कहर बनकर छा रहा है। अगर नवंबर दिसंबर की ठंडी से कोरोना के मरीज बढ़े तो मुंबई समेत एक बार फिर भिवंडी में भी लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है, ऐसा इशारा आया है, जिसके लिए हमें सबको सावधान बरतना बहुत ज़रूरी है। आइए अब बात करते हैं छठ पूजा की। हर साल धूमधड़ाके से मनाए जाने वाले त्यौहार छठ पूजा इस मरतबा सरकार ने सादगी से मनाने के लिए अपने अपने घरों में मनाने के लिए अपील की है। जिस तरह से हर साल समुद्रों और नदी के किनारे भीड़ हुआ करती थी, इसे देखते हुए कोरोना को देखते हुए इस बार इस पर रोक लगा दी गई है। भिवंडी में टोरंट का चोरी बिजली चोरी का मामला जोर पकड़ रहा है। इस मरतबा बिजली चोरी मामले में 607,616 रुपए की बिजली चोरी मामले में दो लोगों पर मामला दर्ज कर दिया गया है। मामला कारोरी रोड पर जोया अपार्टमेंट का है, जिसमें बाबू खान और दूसरे शाह मोहम्मद नाम बताया गया है, जिन पर ये मामला दर्ज हुआ है। कांग्रेस की तादाद पसदारत पाते हुए रशीद ताहिर मोमिन ने पिछले सभी पदों को मुस्तद कर दिया गया है, यानी रद्द कर दिया गया है। आने वाले दिनों में ऐसे सभी औहदों का ऐलान किया जाएगा नई तरीके से, लेकिन रशीद ताहिर मोमिन साहब को टोरेंट पावर से बिजली माफ वादे को पहले हल करना चाहिए, ऐसी मांग आवाम कर रही है। अब बात करते हैं थाना मुंबरा रोड के। थाना मुंबरा से 11,49,000 रुपए के डुप्लीकेट नोटों को पुलिस ने जाल बिछाकर पकड़ लिया, जिसमें चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें एक महिला भी शामिल है। इनके पास से 7 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है कि इस कारोबार में और कितने लोग शामिल हैं और ये कितनी लंबी चैन है। और अब बात करते हैं अंसार मोहल्ला खंडूपाड़े की। तो बात करते हैं अपनी बीवी को खुदकुशी करने पर मजबूर करने के लिए शांति नगर पुलिस ने 3 लोगों पर मामला दर्ज कर दिया गया है। इस वाक्य से अंसार मोहल्ला खंडूपाड़े में सनसनी फैली हुई है। इस मामले में गुनाहगारों पर 306, 323, 504, 506, 34 के तहत फौजदारी का गुनाह दाखिल कर दिया गया है। कल्याण डोंबिवली में शमशान भूमि में कचरा फेंकने पर लोगों ने सफाई कामगारों की पिटाई कर दी, जिस पर 5 कंट्रक्टरों ने हड़ताल कर दी है, जो अब कचरा नहीं उठाएंगे। बात करते हैं परभनी की। परभनी में 15 वाटर फिल्टर प्लांट को सील कर दिया गया है, जो गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा था। होशियार कार्रवाई भिवंडी में भी हो सकती है।